सो वांडा विजन के एपिसोड सेवन में हमने देखा थी नेक्सेस एड की वीडियो नेक्सेस कैप्सूल्स की वीडियो जो कि एक्चुअली में है नेक्सेस ऑफ ऑल रियलिटीज जहाँ पे सारी रियलिटीज कॉमिक्स में मावल में इंटरसेक्ट होती है यानी कि सारी टाइमलाइंस आपस में क्रॉस होती है और इसके अंदर रियलिटीज के अंदर भी रियलिटीज़ होती है और रिसेंटली वोंडा विजन के एपिसोड एट में हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से अपने क्यूस मैजिक का यूज़ करते हुए एक्चुअली क्यूस मैजिक का नहीं की मैजिक स्पेल्स का यूज करके जो है वोंडा ने एक अलग रियलिटी हेक्स के नाम से बनाई थी और यही नहीं बल्कि अब यही हेक्स वाली

ऐसा नहीं हुआ बल्कि अब इतनी पावरफुल हो चुकी थी अब उसके पास इतने सारे मैजिक स्पेल्स टेक्निक्स थी कि उन्होंने यहां पे जो है उनसे सारी की, उनसे सारी सारी की डिस्ट्रक्टिव पावर जो है वो खींच ली और उनको जो है खत्म कर दिया लेकिन पे पे यही चीज चीज सेम वोंडा के साथ करने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे जितना वोंडा को अभी तक पावरफुल दिखाया गया को वो डिस्ट्रॉय कर सकती थी थीथा ने खुद एक्सेप्ट किया था कि सालों की मेहनत लगती है सालों के टेक्निक्स लगते हैं सालों की एक्सपेरिमेंटेशन लगती है छोटे से छोटे इल्यूजन को रियल बना

पहले से ही मैजिक स्पेल्स की एबिलिटीज थी मैजिक स्पेल्स को सीखने की एबिलिटी थी जिस तरीके से हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में नहीं देखा देखा था कि किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो है फोटोग्राफिक मेमरीज होती है यानी कि किसी भी चीज को वो अगर एक बार देखे या फिर एक बार सीखे तो वो उनके साथ हमेशा याद रहती है और सेम चीज उन्होंने टाइम स्टोन के भी साथ की थी जब उन्होंने टाइम स्टोन के ऊपर अपना पहला एक्सपेरिमेंटेशन एप्पल के साथ किया था और वहां पर जब वॉन्ग ने उन्हें कहा कि तुम ये सब कैसे कर पाए ये तो काफी ज्यादा मुश्किल स्पेल थे हो सकता है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी जो है ये गॉड गिफ्टेड है तो हो सकता

रियलिटी सुखी रियलिटी बसाई है कहीं ना कहीं उसे खत्म करने की कोशिश करेगी जाते, जाते जाते जिसका असर सीधा सीधा हमें हेक्स हेक्स पे 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 देखने को मिलेगा क्योंकि एक रियलिटी है जो कि अर्थ पे पे ही उसने सेपरेटली क्रिएट की है तो हो सकता है कि हेक्स के थ्रू पे हमें रियलिटीज का डिस्ट्रॉशन देखने को मिले वॉन्डा के क्यूस मैजिक यूज करने की वजह से अगथा हार्कनेस के ऊपर जो है हेक्स के ऊपर कुछ ऐसा असर पड़े कि वहां पे डिफरेंट मल्टीपल टाइम के ब्रांच जो है वो ओपन हो जाए और जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनल एपिसोड में कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इंटरफेयर